आज हम लोग बात करेंगे परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कम समय बचा है तो भी कैसे तैयारी करें, और इस परीक्षा की तैयारी को हम लोग तीन भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। कौन कौन से? पहला, परीक्षा के पहले क्या करना है, दूसरा, परीक्षा कक्ष में क्या करना है, और तीसरा है परीक्षा देने के बाद, मतलब आप पेपर दे के बाहर निकल आए हो तब क्या करना है। ठीक है, तो तीनों चीज को अच्छे से समझ लोगे, चाहे कोई भी परीक्षा हो, ये सब जगह लगभग वही इसका मतलब निकलता है, मतलब आपके लिए हर जगह ये उपयोगी है। तो सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा पहले क्या करना है, मतलब अभी मान लीजिए आपके पास कितना दिन बचा हुआ है परीक्षा के लिए, आज कौन सी तारीख हो गई, 20 तारीख है, लगभग 10 दिन बचा हुआ है मान लीजिए, अच्छा हाँ 8 दिन बचा हुआ है, गुड। ठीक है, अब 8 दिन बचा हुआ तो इसको क्या करेंगे, हम इस समय का उपयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो कि 2 दिन तो छोड़ दो आप अपने सब्जेक्ट के लिए, पहले 2 दिन जिस सब्जेक्ट का पहला पेपर है उसके लिए आप 2 दिन छोड़ दिए, अब कितने दिन बचे, 6 दिन बचे। इस 6 दिन में आपको समय का जो प्रबंधन करना है, अभी तक जितना पढ़ लिए तो पढ़ लिए, ठीक है, जितना पढ़ लिए, जितने टॉपिक, जितने चैप्टर तैयार हो गए तो हो गए, नया अब कुछ भी ट्राई करने की कोशिश नहीं करना है, नया ट्राई नहीं करना है। ठीक है, जो बन रहा है पहले से उसी को क्या करना है, रिवीजन करना है, कम से कम जो तैयार है वो तो अच्छे से बन जाए, यदि वो क्वेश्चन आ रहा है पता चले नया किए, नया कुछ ट्राई करने लगे तो क्या होगा, पुराना भूल जाएगा, उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे तो ना नया बनेगा तुमसे ना पुराना बनेगा। इसके लिए क्या जरूरी है कि आपको नई चीज ट्राई नहीं करना है। समय प्रबंधन पे बात करते हैं तो समय ध्यान रखो किसको किसके अनुसार देना है, सरल और कठिन के अनुसार देना है, मतलब कठिन सब्जेक्ट है तो क्या करोगे उसको ज्यादा समय दोगे, सरल है तो थोड़ा सा उसकी तुलना में कम दोगे। फिर यूनिट भी देखोगे, कहीं कहीं यूनिट होता है कि किसी में यूनिट ज्यादा है, यानी लेसन जो पाठ है वो ज्यादा है और किसी में कम है, तो जिसमें ज्यादा यूनिट है उसको हमको ज्यादा समय देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया समय प्रबंधन। दूसरा, जो नोट्स होता है वो बनाना चाहिए, क्या बनाना है, माइंड मैप, समझते हो, माइंड मैप का मतलब होता है कि चित्र के रूप में उसको बना लो, क्योंकि नोट्स आप जब एग्जाम होगा पढ़ने वहां जाओगे एग्जाम हॉल में, उसके पहले आप एक बार रिवीजन करते हो, तो जितने पाठ मान लो 20 यूनिट है तो 20 यूनिट का रिवीजन बहुत कम समय में मुश्किल होता है, तो क्या करो माइंड मैप बनाओ, क्या बनाओ माइंड मैप बनाओ। इसके पहले जो परागण वाला बताया था उसमें माइंड मैप मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार और फिर से इसको तुम लोगों को बता दूंगा कि माइंड मैप कैसे, मान लो कोई इजी चैप्टर जैसे रक्त के बारे में है तो रक्त लिखो और रक्त के कितने भाग उसको लिख दो आगे, तो मतलब ऐसे सिर्फ पॉइंट जो मेन मेन शब्द होते हैं, जो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं वो लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, क्या लिखना है मेन मेन शब्द लिखना है इंपॉर्टेंट, जिससे जब उसको पलटाओ रिवीजन करो तो सबका सब आपसे आपके दिमाग में रहे, और यदि इंपॉर्टेंट शब्द आपके आपको याद है तो आप क्या कर लोगे उसको अपने से बना के लिख दो। आगे नए टॉपिक को टच नहीं करना है, अभी समय लास्ट में बचेगा तब नए टॉपिक को टच करना है, नहीं तो नहीं करना है। फिर अपने स्टाइल से लिखना है, कई बच्चे क्या करते हैं कि यार वो दूसरे तरीके से पढ़ रहा है उसमें अच्छा याद हो रहा है, तो नहीं, आप खुद देखो कि आपको किस चीज में ज्यादा समझ में आ रहा है, किस चीज से आपको किस चीज में आप ज्यादा अच्छे से लिख पा रहे हो, तो आपको अपनी स्टाइल से ही पढ़ना है, दूसरे की स्टाइल देख के नहीं, अपनी स्टाइल कि आपको लिख के पढ़ना है कि वैसे याद करना है, क्या करना है वो आप जानो, आप अपने स्टाइल के अनुसार और एकाग्र होकर, यदि एकाग्र होकर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, एक घंटा बैठे रहो किताब खोल के नहीं याद होगा, लेकिन 10 मिनट भी बैठ गए यदि एकाग्र होकर, 15 मिनट भी बैठे हो तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रटना नहीं है, समझना है, क्या करना है समझना है, यदि रट लोगे तो नहीं होगा, जैसे मान लो बायो में चित्र देख लो, चित्र में जो नाम होते हैं वो देख लो और उसके बाद उसको अपने से लिखो, पुष्पी संरचना है तो इसके इतने भाग होते हैं, चित्र में सब दिख रहा है, उसी को क्या करो आप अपने भाषा में बना के लिख दो, नंबर अच्छे मिलेंगे। तो रटने की कोशिश नहीं करो, रटने वाला क्या होता है, क्या होता है, भूल जाता है, और जो समझे रहते हो वो हमेशा याद रहता है। अगला, 30 और 50 मिनट का नियम लगा लो,
कम से कम 30 मिनट बैठना है, कितना 30, अब 50 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना है, कितना 50 मिनट से ज्यादा नहीं, 50 मिनट बाद मुश्किल से 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का ब्रेक ही ले लो, कभी किताब बंद कर दो, थोड़ा सा आंख ऐसे बंद करके रिलैक्स कर लो, उसके बाद फिर पढ़ो। अब 30 मिनट से कम नहीं पढ़ना, क्योंकि 30 मिनट से कम पढ़ोगे तो याद, मतलब जो चैप्टर आप चाह रहे हो, जो टॉपिक चाह रहे हो तैयार हो जाए तो इतने में ही होगा, 50 से ज्यादा करोगे तो हो सकता है आपको बोर होने लगे, आप बोर होने लगो, आपका मन पढ़ाई में ना लगे, तो 50 मिनट के बाद 5 मिनट 3 मिनट जो आपको सही लगे, ज्यादा नहीं गैप करना है कि 50 मिनट के बाद फिर 50 मिनट गैप नहीं, ठीक है। उसके बाद लिख कर याद करना है, तुम लोग लिखते कम हो, याद कर लेते हो, लेकिन क्या करना है, लिख के याद करना, कैसे याद करना है, लिख के याद करना है, लिख के याद करेंगे तो क्या होगा, भूलेगा नहीं, लिख के याद करोगे तो क्या होगा, भूलेगा नहीं। और जब कभी ऐसा सोचो कि तुम लोग लिखते हो, लिख के याद करते हो तो आपका दिमाग क्या रहता है, उसमें बिजी रहता है, तो उस वक्त आपको दूसरी चीजें सोचते हो क्या, नहीं सोचते हो, लेकिन यदि सिर्फ याद करते रहो तो कभी कभी याद करते करते दिमाग दूसरी जगह चला जाता है, नहीं तो क्या करना है, लिख लिख के याद करना है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है चार लोग बैठे हो, मान लो किसके बारे में पढ़ना है, उसकी संरचना के बारे में पढ़ना है, तो चार लोग बैठ जाओ और एक दूसरे से बात करो, ये कहलाया ग्रुप डिस्कशन, बताओ कि ये कौन सा भाग है, कौन सा भाग पहले से नहीं बनता, दूसरा बताएगा, दूसरे से नहीं बनता, तीसरा बताएगा, तो इस तरीके से आपको याद भी होगा। फिर पिछले साल का पेपर निकालो, पिछले साल का पेपर और उसके पिछले साल, मतलब जो ओल्ड पेपर है उनको निकालो और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, कि टाइम आपके पास कितना है, 3 घंटा है, तो 3 घंटे में ही क्या करो, उसको सॉल्व करो, कोशिश करो, देखो कि कितना हो पाता है। और एक चीज का ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में टाइम के अनुसार काम करना है, मतलब 3 घंटे का टाइम है तो ये नहीं कि 2 नंबर वाले को खूब लिख दो और 5 नंबर वाले के लिए टाइम ही नहीं बचे, टाइम डिवाइड कर लो कि 3 घंटे का पेपर है, मुझसे इतने क्वेश्चन बनते हैं तो मुझे ऐसा करना है, ठीक। फिर इजी लेसन से रिवीजन स्टार्ट करो, सरल से स्टार्ट करोगे तुमको लगेगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्या लगेगा कि हमसे बनता है, जो हार्ड है उन चैप्टर को क्या करो छोड़ दो, अभी इजी से स्टार्ट करो फिर हार्ड की ओर चलो। तो ये क्या हो गया परीक्षा के पूर्व का। अब बात करते हैं परीक्षा कक्ष में क्या करना है, एग्जाम हॉल में पहुंच गए तो परीक्षा कक्ष में एक चीज का ध्यान रखना, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे से पहले उठना ही नहीं है, कितना 3 घंटे जितने का पेपर है उतना पूरा टाइम लास्ट तक बैठना है, जो क्वेश्चन बन रहा है उसको कर लोगे और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको भी लास्ट में करना है, उससे संबंधित जो कुछ भी आपको याद आ रहा है वो लिखोगे, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, इस चीज का ध्यान रखोगे, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक शब्द भी ना बनता हो, तो उस क्वेश्चन को आपको हल करना है कब, सबसे लास्ट में, मतलब पहले जो बन रहा है इजी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको पहले कर लोगे और इजी क्वेश्चन के बाद क्या करोगे, जो नहीं बन रहे उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ये नहीं कि 3 घंटे का पेपर है 2.5 घंटे में बना तो ठीक, नहीं बना तो निकल गए, नहीं करना है, बैठे रहोगे अपने क्वेश्चन जो जो आंसर लिखे उनका क्या करोगे, रिवीजन करोगे, देखोगे कहीं छूट तो नहीं गया, कभी कभी ऐसा होता है पेपर में देख लिया हाँ ये तो बन रहा है, बन गया है, लिख लिए हैं और बाद में पता चला कि इसको छूट गया है, लिख के आया ही नहीं है, इसलिए टाइम का पूरा यूज करना है, जो प्रश्न ना बने उन्हें छोड़ दो शुरू में और उसको कब ट्राई करो, अंतिम में ट्राई करना है, ध्यान रखना है, शुरू में नहीं टेंशन लेना कि ये नहीं बन रहा है तो जोड़ के लिखो, उसको जुगाड़ बना के लिखो, कुछ नहीं करना है, पहले इजी क्वेश्चन जो बन रहा है वो और फिर लास्ट में जो नहीं बन रहा है उनको ट्राई करना है, प्रत्येक प्रश्न हल करना है, सरल प्रश्न पहले, अच्छा क्वेश्चन का आंसर पॉइंट्स में लिखना, मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन आया, 5 नंबर का आया, विशेषता लिखो या कुछ भी आया, तो जो क्वेश्चन का आंसर आप पॉइंट्स में लिख सकते हो उसको किस में लिखोगे, पॉइंट्स में लिखोगे, 1, 2, 3, 4, उससे क्या होगा आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात है पेपर के बाद, एग्जाम देने गए, पेपर दिए, 3 घंटे रुके, अब उसके बाद वहां से बाहर आ गए, अब क्या करना है, पेपर को मोड़ो, जेब में डालो, घर चलो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि इसका आंसर
क्या होगा, बिल्कुल नहीं पूछना है क्या होगा इससे, क्या होता है गुड, दिमाग में टेंशन हो जाता है। मान लो कोई क्वेश्चन है, तुमने पता चला गलत कर दिया है, तो अगला पेपर आपका उससे प्रभावित होगा, दिमाग में टेंशन होगा, बार बार वही बात याद आएगी, नहीं चाहोगे तो भी वो बात याद आएगी कि ये पेपर मेरा, ये क्वेश्चन बिगड़ गया, चार नंबर का क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, ये ऑब्जेक्टिव गलत हो गया। इसलिए किसी से कुछ नहीं पूछना, ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपको अगला पेपर देना है ना, उसकी तैयारी करना है, तो टेंशन फ्री होकर तैयारी करना है। घर आओ, पेपर को देखना ही नहीं है, पेपर अच्छा गया और उसके बाद आओ, रिलैक्स करो, आराम करो, दोपहर में सोना है सो लो, क्योंकि रात में थोड़ा सा कम सोए होगे। अच्छा, परीक्षा के पहले नींद पूरी लेना है, मतलब ये नहीं कि रात भर जगो, क्योंकि जब जगे रहोगे तो वहां लिख नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा कम, मतलब पूरी रात नहीं जगना है, सोना है, जितना जरूरी है उतना कम से कम सो लो, और सुबह जल्दी उठो। कब उठना है जल्दी? सुबह जल्दी उठना है, और सुबह उठ के पूरा रिवीजन करना है। इस तरीके से ये तीन भागों में पेपर की चर्चा हम कर लिए हैं। इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरे तीन घंटे तक बैठना है, और माइंड मैप का यूज करना है। माइंड मैप एक बार देख लोगे ना, तो दिमाग में नक्शा बन जाता है, दिमाग में नक्शा बन जाता है कि यहां पर हम ये लिखे थे, तो उसको बहुत अच्छे से आप वहां रिवीजन, यानी एग्जाम के पहले रिवीजन कर सकते हो, और एग्जाम हॉल में जाओगे तो उसको आप अच्छे से क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। तो इन चीजों का ध्यान आपको परीक्षा में रखना है, तो आपका पेपर निश्चित ही बहुत अच्छा जाएगा। समय का विशेष ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान।